नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारी क्लासिकल एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग सीरीज में, जिसमें हमने पिछली जो लास्ट वीडियो थी उसमें लीवर 14 आपको पॉइंट पढ़ाया था, तो वो लीवर का मेरिडियन कंप्लीट हो गया था। जिसको लीवर से रिलेटेड वीडियो देखनी हो प्रीवियस में देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा पॉइंट सॉरी आज का जो हमारा पार्ट है वो है हमारा 194, यानी कि 194। और जिस पॉइंट की जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे, वो है हमारा स्टमक, यानी कि अमाशय, अमाशय। तो आज हम अमाशय के स्टमक के बारे में जानेंगे डिटेल से, कि इसकी नेचर क्या होती है, कौन सा ही एलिमेंट है, इसका टाइम क्या होता है, मंथ कौन सा होता है, इसका कलर कौन सा होता है, टोटल पॉइंट कौन से कितने होते हैं, हॉररी पॉइंट कहाँ होता है, सॉरी हॉररी पॉइंट कौन सा होता है, और ये मेरिडियन हमारा कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे कंप्लीट यानी कि खत्म होता है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं पार्ट नंबर 194। ठीक है, तो पहले हम एक कॉलम बना लेते हैं, टेबल। चलो और जरूरत होगी तो फिर बना लेंगे। अब शुरुआत करते हैं नेचर से। ये हमारा स्टमक, ठीक है, तो पहले नेचर से शुरुआत करते हैं। नेचर इसकी क्या होती है, यानी प्रकृति, ठीक है, नेचर प्रकृति। तो इसकी होती है प्रकृति यांग, ठीक है। एलिमेंट कौन सा होता है, मतलब ये नेचर प्रकृति जो यिन यांग में है, तो यांग प्रकृति है। एलिमेंट यानी कि तत्व, ठीक है, तो तत्व में कौन सा होता है, पृथ्वी तत्व होता है, जिसे हम अर्थ कहते हैं, अर्थ, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी यानी ऊर्जा कौन सी होती है, ठीक है, तो ऊर्जा में ह्यूमिडिटी आएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें का समय, इसका समय क्या होता है, तो ये होता है मॉर्निंग का हमारा 7 AM to 9 AM, ठीक है, यानी कि इस टाइम में ही ज्यादा एक्टिव रहता है। तो हमारा जो खाने का नाश्ते का जो टाइम होना चाहिए वो 7 से 9 के बीच का होना चाहिए। अगर कोई भी 9 बजे के बाद खाना खाएगा तो उसका स्टमक इतना स्ट्रांग नहीं होगा, वीक होगा, तो उसके बाद में उसको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी। तो इसलिए हम जैसे किसी को भी अगर बताते हैं कि आप खाना टाइम से लो, तो उसको हम यही बोलते हैं कि आप 7 से 9 के बीच में अपना नाश्ता ले लो, अच्छा नाश्ता जितना आपको भूख हो। तो 7 से 9 के बीच में, क्योंकि हमारा स्टमक एक्टिव रहता है, उसमें एनर्जी काफी होती है, तो आपके खाने को बचा देगा। उसके अलावा आप खाएंगे तो इतना खाने को आपकी डाइजेस्ट नहीं करेगा, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी स्टमक के गड़बड़ होने से, ठीक है। तो उसी के हिसाब से सारे ऑर्गन्स वगैरह हमारे सबका टाइमिंग होता है, पूरी चेन सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये हो गया समय यानी कि टाइम, ठीक है, 7 से 9 का। अभी हो गया महीना, किस महीने में स्टमक की हमारी एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक इसे बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है, बायोलॉजिकल मंथ, बायोलॉजिकल, ठीक है, मंथ बायोलॉजिकल, ठीक है। अभी ये जो टाइम होता है हमारा, ये होता है जुलाई का, ठीक है, यानी कि जुलाई मंथ में जो हमारी स्टमक की एनर्जी है वो ज्यादा होती है, अच्छी होती है, तो उस टाइम में वो ज्यादा अच्छा वर्क करता है। ह्यूमिडिटी अर्थ का जो मंथ है वो जुलाई है। जुलाई से मतलब ये है कि अगर किसी का जन्म जुलाई में होता है तो हम सोच सकते हैं उसकी जो प्राइमरी जो एनर्जी है वो पृथ्वी तत्व की है। और अगर उसका टाइम 7 से 9 का है तो और दो चीजें होंगी कि उसका मंथ जो है पृथ्वी तत्व में हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मंथ मान लो जुलाई का है, उसके अलावा टाइम कोई भी हो, तो उसमें 2 एनर्जी काउंट हो जाएंगी, तो फ्यूचर में उससे रिलेटेड उसको या तो प्रॉब्लम्स आएंगी, या फिर वो हाइपर अगर होगा
तो भी प्रॉब्लम आएगी, हाइप होगी तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो उस पर हमें मेन ध्यान रखना होता है पूरी लाइफ टाइम उस ऑर्गन पे, उसके खाने पीने के तरीके पे। या मान लो किसी का लीवर के टाइम में या लीवर के मंथ में अगर जन्म हुआ है तो उसके लीवर को मेन हमें ध्यान रखना होगा कि लीवर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके हिसाब से डाइट वाइट, खाना पीना, सोना, सब कुछ ध्यान रखना होता है। ठीक है, मंथ आ गया, अब आ गया ये फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, यानी कि कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा बिलो आईज टू लेग फर्स्ट फिंगर, यानी कि ये हमारा जो मेरिडियन है ये हमारी आंखों के नीचे से यहां से ST1 यहां से शुरू होता है और ऐसे हमारा चलता हुआ चेहरे पे और बॉडी पे चलता हुआ चेस्ट पे, एब्डोमन पे, और हमारी थाइस को होते हुए, घुटने को होते हुए हमारे पंजे में, हमारे थंब के पास वाली जो फिंगर होती है, थंब के पास वाली, जैसे पैर का जो थंब होता है उसके पास जो पहली फिंगर होती है इसी पे आता है ये। ठीक है, इसी पे आके खत्म होता है हमारा ST45 पॉइंट जो है। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट है ये हमारी पैर की उंगली पे खत्म होता है। ठीक है, कुल बिंदु यानी कि टोटल पॉइंट तो ये होते हैं 45। ठीक है, हॉररी पॉइंट यानी कि मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु होता है ये, इसका होता है ST36 जिसमें इसकी खुद की एनर्जी अर्थ ह्यूमिडिटी होती है। तो ये मुख्य बिंदु इसका ST36 है। रंग यानी कलर, इसका मुख्य कलर क्या होता है, कलर पिछले कुछ हम मेरिडियंस में हमने कलर नहीं बताया तो वो हम मेंशन कर देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है आगे जो वीडियो जाएंगे। ठीक है, रंग कलर यानी कि येलो, ये येलो कलर यानी पीला कलर इसका खुद का कलर होता है। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं जहां पे आपको पीला कलर दिखे तो आप कह सकते हैं यहाँ पे पृथ्वी तत्व की अधिकता है। वास्तु वाले लोग भी जैसे कहीं पे उनको बैलेंस करना होता है, किसी में धन की कमी होती है तो वहां पे वो पीला कलर लगाते हैं, पृथ्वी मजबूत होनी चाहिए तो उससे धन आता है, पीला कलर यूज होता है। तो ऐसे इसका खुद का जो कलर है पीला कलर है, खुद को पीले कलर से रिप्रेजेंट करता है। जैसे कई लोगों को जॉन्डिस वगैरह हो जाता है तो उनके पूरे शरीर पे जो है पीला कलर आपको दिखता है, तो वो ह्यूमिडिटी के, पृथ्वी तत्व के बढ़ने से होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक बार दोबारा बता देता हूँ। नेचर इसकी आग होती है, एलिमेंट तत्व होता है अर्थ, एनर्जी होती है ह्यूमिडिटी, समय टाइम होता है सुबह 7 से 9 का, बायोलॉजिकल मंथ होता है जुलाई का, कहां से शुरू होता है हमारी आईज के नीचे से और पैर के अंगूठे के पास में, टोटल पॉइंट है 45, मुख्य बिंदु है ST36 और कलर है येलो। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो है 194 पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम 195 में बात करेंगे इसकी डिसीज के बारे में।